गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूं शान सर। स्वागत करता हूं आप सभी का यूट्यूब फेसबुक लाइव कंप्यूटर क्लासेस में। तो आप सभी इस बात से वाकिफ हैं कि अभी जो पूरे बिहार में एक तो लॉकडाउन चल रहा है और साथ ही साथ लॉकडाउन के साथ ही साथ बाढ़ का भी खतरा पूरे बिहार में मंडरा रहा है। तो मैं आप सभी छात्र एवं छात्राओं से एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी एक तो COVID-19 पैंडेमिक कोरोना वायरस तथा बाढ़ से बचें और एट फर्स्ट आप सभी अपने तथा अपने परिवार की सुरक्षा करें, साथ ही साथ मास्क सैनिटाइजर्स और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तो दोस्तों, मैं सांसर आप सभी को डेली बेसिस पे कंप्यूटर की नॉलेज और कंप्यूटर की ऑपरेट करना हम वीडियो के माध्यम से लेकर आ रहे हैं। आप सभी छात्र छात्राओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने आसपास के लोगों के साथ शेयर करें हमारी वीडियो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और किसी प्रकार की हमारी वीडियो में अगर दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास होगी वो स्टाइल कट कॉपी पेस्ट तथा फॉर्मेट पेंटर की होगी। तो चलते हैं दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी से मेरा फिर से अनुरोध है कि आप खुद का अपने परिवार का सुरक्षा करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का पालन करें, सैनिटाइजर का यूज करें। तो चलते हैं दोस्तों आज की क्लासेस में। सबसे पहले तो आप देख रहे हैं कि हमारा जो एमएस वर्ड का एडिटिंग एरिया में कुछ टेक्स्ट को मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब क्या करना है, इस वर्ड की स्टाइल को हमको चेंज करना है। तो स्टाइल के लिए हमको क्या करना है, एट फर्स्ट जो भी टेक्स्ट मैंने लिखा है उस टेक्स्ट को क्या करें, आप सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद ये फॉर्मेटिंग बार है, फॉर्मेटिंग बार में यहाँ पे देखें स्टाइल लिखा हुआ है और आप यहाँ से डिफरेंट टाइप्स के स्टाइल्स होगी, वहां से आप कोई भी एक स्टाइल्स को चूज करें। तो आपको जो स्टाइल आपका रिक्वायरमेंट है वो स्टाइल आपकी एडिटिंग एरिया में शो ऑफ हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो स्टाइल लिया, उसके बाद क्लियर फॉर्मेटिंग की पहले जैसी जो टेक्स्ट थी वो हम लोग क्लियर फॉर्मेटिंग के माध्यम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स का स्टाइल अवेलेबल है, आप यहाँ से जो भी स्टाइल आपको पसंद है वो स्टाइल आप यहाँ से ले सकते हैं। लेने के बाद अगर आप स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं फिर से पहले जैसा, तो क्लियर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे स्टाइल में आप स्टाइल को सेट भी कर सकते हैं, सिंपल भी रख सकते हैं, और नहीं तो आप क्लियर फॉर्मेटिंग करके जैसे पहले था वैसे आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये स्टाइल थी। अब हम चलते हैं कि कट कॉपी पेस्ट की बात करते हैं। कट कॉपी पेस्ट की बात हम लोग करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, एडिटिंग एरिया में जितने भी टेक्स्ट है उस टेक्स्ट में जिसको आपको कॉपी करना है उसे सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद क्लिपबोर्ड ऑप्शंस होगी, क्लिपबोर्ड ऑप्शंस में आपको कॉपी ऑप्शंस होगी। इस कॉपी ऑप्शंस में आप क्लिक करेंगे तो आपकी टेक्स्ट कॉपी हो जाएगी बट आपको दिखाई नहीं देगी, इनएक्टिव रहेगी जब तक आप उसे पेस्ट नहीं करते हैं। तो हम लोग पैराग्राफ को चेंज करते हैं इंटरप्रेस करके, और हम लोग क्या कर रहे हैं क्लिपबोर्ड ऑप्शंस में जाने के बाद यहाँ पे पेस्ट अगर करते हैं तो जो मैंने कॉपी किया था वो पेस्ट हो जाएगी। तो आप जितने बार पेस्ट करना चाहते हैं उतने बार पेस्ट हो जाएगी, जब तक आप अगला निर्देश नहीं देते हैं तब तक वो आपकी पेस्ट होती रहेगी। अब दोस्तों चलते हैं कि मान लीजिए कि मुझे कॉपी करनी है तो सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद क्लिपबोर्ड ऑप्शंस में आपकी को कट होगी, कट अगर हम कर दे रहे हैं तो सारी टेक्स्ट जो है वहां से हट जाएगी। उसके बाद अगर आप पेस्ट करते हैं तो आप पेस्ट करेंगे तो वापस आ जाएगी। अभी जो मेन चीज है वो क्या है कि फॉर्मेट पेंटर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देखिए ध्यान से देखिएगा फॉर्मेट पेंटर क्या होता है। मान लीजिए कि मैं किसी टेक्स्ट को लिख लिया, जैसे शान सर कंप्यूटर क्लासेस, लिखने के बाद इस टेक्स्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तो कॉपी कर रहे हैं और दूसरा क्या कर रहे हैं इंटर पैराग्राफ चेंज करके पेस्ट कर दे रहे हैं। ये दो टेक्स्ट हो गई। अब पहले टेक्स्ट को क्या करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद इसको कुछ एडिटिंग कर दे रहे हैं, कुछ हम चेंज कर दे रहे हैं। जैसे मैंने बैकग्राउंड चेंज कर दिया हाईलाइट कलर, उसके बाद इसकी फॉन्ट कलर को मैंने चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद हम जो ये टेक्स्ट है इस टेक्स्ट को क्लिक करेंगे और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब
हम अप्लाई करेंगे सेकेंड टैक्स पे, जो मैंने कॉपी किया हुआ हूँ वो टैक्स पे क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो फर्स्ट टैक्स को मैंने एडिटिंग किया था वो ऑटोमेटिक सेकेंड टैक्स में भी सेम टू सेम हो चुका है। तो फॉर्मेट पेंटर का हमारा काम है कि किसी भी एक टैक्स को सिलेक्ट करने के बाद, एडिटिंग करने के बाद, हम दूसरे टैक्स पे ऑटोमेटिक अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्मेट पेंटर के माध्यम से होती है। तो दोस्तों, आप सभी को डेली बेसिस पे जो क्लास दी जा रही है, ज्यादा से ज्यादा विजिट करें और ज्यादा से ज्यादा आप देखें, क्योंकि हमारा जो मेन उद्देश्य है वो है हमें छात्र छात्राओं के साथ कनेक्ट होना। और इस बेसिक्स महामारी में किसी भी छात्र छात्राओं की क्लास अब्सेंट ना हो और उनको सही रूप से क्लास मिलता रहे मेरे द्वारा, यानी कि सांसद के द्वारा। इसलिए मैं डेली बेसिक्स पे फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से आप सभी के बीच प्रस्तुत हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर किसी प्रकार की और जानकारी अगर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूले। इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं। खुश रहे आप, आपका परिवार। दुआ में याद रखिएगा, आपका सांसद। जय हिंद, जय भारत।